तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने खूब सारी नौकरी बांटी, युवाओं को बहुत रोजगार दिलवाया। लेकिन बिहार के युवा तेजस्वी जी से, लालू प्रसाद यादव जी से, उनके परिवार से आज के समय में नौकरी नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया हमें राजनीति सिखा दो, वो वाली राजनीति जिसको करते हुए लालू जी, जो बिल्कुल एक गरीब परिवार से निकल के आते हैं, और आज 2017 की जब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें बताया गया है कि आयकर विभाग ने उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त की है, जब्त की हुई प्रॉपर्टी, उसकी कीमत लगभग 175 करोड़ रुपए लगाई गई है। एक आम आदमी पूरे दिन काम करता है, 10-10, 12-12 घंटे, पूरी जिंदगी अपनी खपा लेता है, तब भी 5 लाख रुपए जोड़ के रख नहीं पाता है। लालू प्रसाद और उनके परिवार ने ऐसा क्या रोजगार किया कि आयकर विभाग जो पैसा जब्त कर रही है उसकी कीमत 175 करोड़ रुपए है। ये तरकीब सिखाइए ना, ये 30,000-35,000 की नौकरी देकर क्या करेंगे? क्या किया है इस परिवार ने ये बताए ना कि पूरे परिवार के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ गई। लालू जी के पास, राबड़ी जी के पास, अभी देखिए ना, राबड़ी जी के पास पटना शहर में जो फ्लैट, एक जो आयकर विभाग ने उस संपत्ति को अभी अपने कब्जे में लिया है, वो रिपोर्ट बता रही है कि उसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। राबड़ी देवी क्या करती थी, क्या उनका बिजनेस था, क्या व्यापार किया उन्होंने 20 करोड़ रुपए? एक आम आदमी जो गरीब है, दलित है, वंचित है, पिछड़ा है बिहार का, वो 20-20 रुपए के लिए घंटों मेहनत कर रहा है। आज भी बिहार में 20 रुपए एक बड़ी रकम है, बड़ी रकम है 20 रुपए, और यहाँ 20-20 करोड़ की संपत्ति लिए बैठे हुए लोग हैं। लालू जी तो बार बार कहते भी हैं ना कि वो गरीबों के नेता है, गरीबों के नेता के पास 200-250 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी, ये इकट्ठा करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अंदर से जो आत्मा है, आत्मा की कोई आवाज निकल के नहीं आ रही थी, क्या कर रहे हैं आप? लालू जी आपके बच्चे किसको धोखा दे रहे हैं आप? दलित, गरीब, वंचित और पीड़ित के नाम पे रिक्शा वाला सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है, 200-150 रुपए कमा पाता है, यहां तो 175 करोड़ की संपत्ति, 175 रुपए नहीं जुटा पा रहा पूरे दिन मेहनत करने के बाद। आपने किस तरकीब से क्या किया वो धंधा बताइए ना बिहार के लोगों को, वो रोजगार बताइए, वो कारोबार बताइए जिसे इतना पैसा कमाया है। कब तक बिहार के लोगों को ठगते रहेंगे? अपने बेटे को, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजा, और बिहार के जो दलित, ओबीसी, आदिवासी जो बच्चे थे उनके लिए चरवाहा स्कूल खोला, क्या भविष्य है चरवाहा विद्यालय का? अब तो चल भी नहीं रहा। क्या दिया है आपने बिहार को? इस ठगी को बिहार के लोग यदि नहीं समझ पा रहे तो उनको समझना चाहिए और पूछना चाहिए लालू जी और उनके परिवार से, भैया वो 175 करोड़ रुपए जो कमाए हैं ना, वो तरकीब सिखाओ हमको भी, हमको भी इतनी बड़ी बड़ी कोठी जो बना ली है, क्या काम करते थे, कौन सी नौकरी थी आप लोगों के पास, आपके बच्चों के पास? आप तो सीएम थे, सीएम की सैलरी कितनी होती है, कितना दरमाहा मिलता है एक चीफ मिनिस्टर को, उससे 175 करोड़ रुपए कितने महीने काम करके कोई व्यक्ति कमा सकता है, वो बताइए। इतनी बड़ी कोठी कैसे बनती है, क्या करना पड़ता है इसके लिए, वो बताइए। अगर बिहार के जो वंचित परिवारों ने, अगर आपने जो पैसा कमाया है ना उसका 1000वां हिस्सा भी कमा लिया तो उनकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। और एक बात और बताइए, आप तो बिहार के गरीबों के नेता थे ना, दलितों के नेता थे ना, ओबीसी के भी नेता थे ना, तो क्या पूरे बिहार में आपको एक काबिल लड़का नहीं मिला आपके उत्तराधिकार के लिए, जो अपने बेटे को ही वो उत्तराधिकारी बना दिया? तो कायदे से आप लालू जी
किसी जाति समाज के नहीं, आप सिर्फ अपने परिवार के नेता हैं। आपने जो भी किया, जो भी कमाया परिवार के लिए, आज आपके परिवार में आप हो, आपके बच्चे हो, सब करोड़पति हैं। वो कारोबार बताइए जिसे सबको आपने करोड़पति बनाया है। बिहार की जनता को कब तक ठगते रहेंगे? कुछ काम की बात बताइए। हाँ क्यों?